वेलकम टू पिक लेसन्स। इसका लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये शर्वानी को हल्दी स्टेन लगाया था, तो हल्दी स्टेन रिमूव किया है। उसके लिए यूज़ किया हमने PCOS और BC डेट यूज कर सकते या BCLD भी यूज़ कर सकते। अभी इस पार्ट में हमने इसको आयरनिंग करके दिखाएंगे, स्टीम आयरनिंग करेंगे। इलेक्ट्रिकल आयरनिंग करें तो ये डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर वर्क ज़्यादा है तो ये प्लास्टिक का मटेरियल का ऊपर वर्क है, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको स्टीम आयरनिंग करने वाला है। स्टीम आयरनिंग से कुछ डैमेज नहीं होता है और जलता नहीं है और हॉट सरफेस पास होता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है। एक साइड में किया तो दूसरा का सामने करने की ज़रूरत भी नहीं है, यही स्टीम आयरन का एडवांटेज भी है। इलेक्ट्रिकल आयरन को करना है तो आपने ऊपर एक क्लॉथ रख के आयरन कर सकते हैं। हमारा स्टेन रिमूवर के किट में आपको 5 स्टेन रिमूवर आता है, BCOS ऑयल स्टेन रिमूवर, ऑयल एंड ग्रीस स्टेन रिमूवर, BCIS इंक स्टेन रिमूवर, BCRS बोल के आता है रस्ट स्टेन रिमूवर, रस्ट का जो भी स्टेन रहता है वो निकल जाता है, और BES बोल के आता है ब्लड स्टेन रिमूवर, और O2 बोल के आता है BCO2। ये मल्टीपर्पज़ के लिए आपको स्टेन रिमूवर है। इससे आपने ऑयल पान पर आके मिल्क स्टेन कर सकते। आयरनिंग भी ऑलमोस्ट हो गया है। BCOS देख सकते हैं पूरा हो गया, अभी कितना अच्छा क्वालिटी आया है। प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट या जानकारी के लिए आपने नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।